प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार प्रदेश की सभी सहकारी गृह निर्माण समितियों का डाटा ऑनलाइन करने के सिलसिले में एक प्रशिक्षण शिविर सिरसा के सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों कार्यालयों में संपन्न हुआ, जिसमें 14 सहकारी समितियों के प्रधान व सचिव शामिल हुए। यह जानकारी देते हुए सहकारी समितियां सिरसा के सहायक रजिस्ट्रार जितेंद्र कौशिक ने बताया कि सहकारी विभाग के निर्देशानुसार जिला की सभी सहकारी समितियों का डाटा ऑनलाइन किया जाना है। गृह निर्माण समिति के प्रधान व सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया। समितियों के कार्यालय में संपन्न हुए शिविर में सभी कर्मचारियों व समिति प्रतिनिधियों को ऑनलाइन डाटा फीडिंग के बारे में प्रशिक्षण देने के साथ साथ अपने यूजर आईडी व पासवर्ड दिए गए। सभी विभाग के कर्मचारियों व सहायक रजिस्ट्रार द्वारा प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन डाटा फीड करने की जानकारी दी गई। इस दौरान दो समितियों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वैच्छिक तौर पर 31 मई तक डाटा फीड करने के बारे में निर्देश दिए गए। शिवजी सहकारी गृह निर्माण समिति व सिरसा जिला कर्मचारी सरकारी गृह निर्माण समिति डीसी कॉलोनी के प्रधानों ने स्वैच्छिक तौर पर 31 मई तक डाटा ऑनलाइन करने का विश्वास दिलाया। सर, ये मीटिंग है ना, हरियाणा गवर्नमेंट पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही थी कि जितने भी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो न्यू रजिस्टर्ड होंगी, वो ऑनलाइन ही होंगी, और पुरानी सोसाइटीज़ को भी कोड दे दिए गए हैं, और उसी के रिगार्डिंग ये कल मीटिंग थी, स्पेशली हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज़ की, कि इनका पूरा डाटा ऑनलाइन फीड करना है, इनके मेंबर्स का, इनके रजिस्ट्रेशन का, उसको ऑनलाइन फ्रीज करके, ऑनलाइन अपडेट करके फ्रीज करना है, ताकि कोई भी आदमी इसको ऑनलाइन चेक कर सके, और आगे से समितियाँ जो भी कार्य करेंगी वो मैनुअल कार्य भी करेंगी और साथ साथ अपने ऑनलाइन में अपडेट करेंगी। कल हमने जो मीटिंग ली थी 27 मार्च को, वो स्पेशली हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज़ की ली थी, सिरसा और डबवाली वर्ग की, जिसमें सिरसा और डबवाली वर्ग की लगभग 14 सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने भाग लिया। उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑनलाइन जो डाटा फीडिंग है सोसाइटीज़ की, बैकलॉग की, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई, और उसके दौरान सभी सोसाइटीज़ का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, और सरकार की इस मुहिम को उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छी मुहिम है, इससे सोसाइटीज़ के डाटा अपडेट होने से मैलाफाइट इंटेंशंस जो रहती है लोगों की, वो काफ़ी कम हो जाएंगी, और एक ट्रांसपेरेंट मूव है ये गवर्नमेंट का, जिसका सभी सोसाइटी प्रतिनिधियों ने एक मत होकर कहा कि ये बहुत अच्छा मूव है, और सभी ने कहा कि जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी हैं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ का पूरा डाटा ऑनलाइन 30 जून तक हो जाएगा, और दो सोसाइटीज़ का 31 जून तक, जिसमें दी शिवाजी HB और दी सिरसा जिला कर्मचारी सरकारी HB, उन्होंने स्वैच्छिक तौर पर ये कहा कि हम 31 तक जो गवर्नमेंट ने दो सोसाइटीज़ का सिरसा में दिया है, उनका हम करेंगे। दोनों प्रेसिडेंट ने मौके पर, सेक्रेटरीज ने ये कहा कि हम स्वैच्छिक तौर पर इस काम को अपडेट कर देंगे 31 तक, और हमारी कोशिश है कि इसको 30 जून तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। किसी भी सोसाइटीज़ को कोई भी दिक्कत है तो 24 आवर्स मेरा नंबर भी खुला है और मेरा ऑफिस भी, उनको डाटा फीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हम उनको डोर स्टेप तक भी सुविधा प्रदान करेंगे कि डाटा फीडिंग कैसे करनी। दी सिरसा जिला कर्मचारी गृह निर्माण समिति के प्रधान अमर सिंह ज्ञानी ने बताया कि वे अपनी समिति का रिकॉर्ड 31 मई तक ऑनलाइन कर देंगे। इसके लिए उन्होंने सभी डीसी कॉलोनी वासियों से सहयोग की अपील की। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने जो आदेश दिया था कि जितनी सोसाइटी है, खास करके हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज है पूरे प्रदेश में, उनको ऑनलाइन किया जाएगा, तो इसके लिए हमारे यहाँ सिरसा के जो सभी सोसाइटीज़ की प्रधान है, मैं भी एक डीसी कॉलोनी सोसाइटी हमारी उसका प्रधान हूँ, तो हम सारे यहाँ लघु सचिवालय में आए हैं और यहाँ एक बैठक ली गई थी, और बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि जो पूरी सोसाइटी है उसका जो डाटा है वो ऑनलाइन किया जाएगा, तो उसके बाद जो नई सोसाइटी आएगी वो ऑनलाइन होगी रजिस्टर, लेकिन जो पुरानी सोसाइटी है, जैसे हमारी बहुत पुरानी सोसाइटी है और मेरे सोसाइटी में कम से कम 300 मेंबर है, उन्हें सारे मेंबर्स का रिकॉर्ड है, डाटा है, चाहे उनके फ़ोटो है, कब से मेंबर बना है, पूरी डिटेल जो है ऑनलाइन की जाएगी। उसके बाद क्या है कि पहले ऐसे जो दिक्कत आती थी कि जो प्रधान सोसाइटी के होते थे या मैनेजमेंट कमेटी थी वो मनमर्जी से कुछ जो ट्रांसफ़र कर देते थे, पता नहीं चल पाता था, तो बड़ी इससे एक बड़ी पारदर्शिता आएगी, और हमने स्वागत किया है, और मैंने सबसे पहले चैलेंज स्वीकार किया है, क्योंकि जो सोसाइटी के AR थे उन्होंने मीटिंग में कहा कि दो सोसाइटी आगे आए जो 31 मई से पहले अगर ऑनलाइन डाटा कर देते, तो मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया है कि मैं अपनी सोसाइटी का 300 के 300 मेंबर्स का जो रिकॉर्ड है वो मैं ऑनलाइन कर दूंगा और 31 मई से पहले कर दूंगा, और उसके बाद 30 जून तक हम सबको रिकॉर्ड ऑनलाइन करना है सभी सोसाइटियों, तो ये सरकार का बड़ा अच्छा कदम है और हम सारे सदस्यों ने इसका स्वागत किया है।